नरेंद्र मोदी जी, ये जो हजूरिया और खजूरिया का डिवाइड है, ये गुजरात में कब खत्म होगा? इस चुनाव के परिणाम से आपको पता चल रहा होगा कि वो स्थिति गुजरात के मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं कर रही है। कुछ सीमा तक उस कठिनाई को हम फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जैसे अटल जी ने कहा था कि गुजरात भाजपा को ग्रहण लग गया है, मुझे लगता है इस चुनाव के बाद उस ग्रहण से हमारी मुक्ति हो जाएगी। पर मोदी जी, गुजरात में आपकी बारी का सबसे लोएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है, तो ये क्या डिसिडेंस के साथ एक सिनिकल एटीट्यूड नहीं है? जी नहीं, इस लोएस्ट टर्नआउट का कारण सबसे बड़ा ये है कि चुनाव के मैदान में कांग्रेस में कोई दम ही नहीं था, और जब प्रतिस्पर्धी में कोई ताकत नहीं होती है तो लड़ाई का मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है तो लोगों में उत्तेजना नहीं आती, उत्तेजना नहीं आती तो वोटिंग टर्नआउट में भी कठिनाई आती है। गुजरात में जो इनफाइटिंग की स्थिति है वो काफी सीरियस है। पिछले दो दिनों में ही बाघेला जी की एक रैली पे पथराव हुआ था और वीएचपी और आरएसएस के साधुओं ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकाला था, तो आप लोग गुजरात में अच्छा कर रहे हैं? आपकी जानकारी सही नहीं है, मैं गुजरात से ही आ रहा हूँ, किसी रैली पर कहीं पथराव नहीं हुआ है, आरएसएस के कोई साधु होते नहीं हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी साधु नहीं होते हैं, लेकिन कुछ संत नाराज थे क्योंकि वाघेला समर्थक के कुछ बंधुओं ने ऐसा बयान कर दिया था जिससे उनको बड़ी चोट पहुंची थी, बिलो बेल्ट अटैक कर दिया था, उसके कारण वो बड़े नाराज होकर के कोई एजिटेशन कर दिया था, लेकिन संघ का और वीएचपी के लोगों ने समझा करके उस एजिटेशन को वापस करवाने में सफलता मिली। मोदी जी, संघ ही के कुछ लोगों ने वाघेला जी के लिए एक टर्म यूज किया था, उन्होंने कहा था कि ही इज अ ट्रेटर टू द रियल मीनिंग ऑफ हिंदुत्व, डू यू अग्री विद दिस? ऐसा है कि ठीक है, कुछ बार लोगों ने यह कहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जिस ढंग से चल रही थी और सितंबर की जो घटना हुई है तो बहुत गहरा आघात लगा है, लोगों को लगा है, कार्यकर्ताओं को लगा है, जनता को लगा है, तो ये स्थिति तो है ही है। केशव भाई जी का क्या रोल है गुजरात की पॉलिटिक्स? देखिए, इस पूरे चुनाव के ही वो जो स्टार कैंपेनर, और केशव भाई ने मेरी जानकारी के हिसाब से कोई 230 थानों पर दौरा किया है, और इस चुनाव के विजय में केशव भाई का रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इज ओनली लीडर इन आवर डेज इन गुजरात। इज ही गोइंग टू कम बैक एज चीफ मिनिस्टर? वेल, ये तो मेरा विषय नहीं है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, वो तय करेगा। पर आप एक बात बताइए कि ये जो गुजरात में इनफाइटिंग है, इज दिस नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द लार्जर डिवाइड बिटवीन द बीजेपी? सब लोग जानते हैं कि बीजेपी में एक फैक्शन है जो आरएसएस डोमिनेटेड है और एक फैक्शन है जिसको आप मॉडरेट फैक्शन कह लीजिए, तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा? मैं नहीं मानता, ये जो झगड़ा हुआ था सितंबर में वो मिशन और एम्बिशन के बीच का था, ये कोई आरएसएस नॉन आरएसएस वाला झगड़ा नहीं थी। और मिशन किसकी थी? देखिए, एम्बिशन का संबंध आपको मालूम है, जिसको ओवर एम्बिशन हुआ उसमें से मुख्यमंत्री बनने के सपने वाघेला जी से है। जी, मैं किसी व्यक्ति के नाम की आलोचना कभी करता नहीं हूँ। अच्छा मोदी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।